जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अचानक विधानसभा भंग कर दी है, जिससे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार गठन की कवायद को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि सूबे में दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन अचानक विधानसभा भंग कर राज्यपाल अब सभी दलों के निशाने पर आ गए हैं। वह इन आरोपों पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से भी बयान आया है। श्रीनगर में बुधवार दोपहर जो हलचल शुरू हुई, वो रात होते होते सरकार बनाने की सारी संभावनाओं पर खत्म हो गई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके जवाब में दो विधायकों वाले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने पीडीपी के बागी और बीजेपी के विधायकों के दम पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद वो खबर आई जिसने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सभी की कवायद को झटका देते हुए विधानसभा को ही भंग कर दिया। जैसे ही राज्यपाल का ये फैसला सामने आया, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। राज्यपाल के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां मलिक के मकसद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को विधानसभा भंग ही करनी थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं की, और जब महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो राज्यपाल ने ऐसा क्यों किया। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल ने केंद्र सरकार के इशारे पर अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से विधानसभा भंग की है। वह विपक्षी दलों के इन आरोपों पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने विधानसभा भंग करने के पीछे कुछ कारण बताए हैं। उनका कहना है कि विरोधी राजनीति विचारधारा वाले दलों के गठबंधन से स्थायी सरकार बनने के आसार कम होते हैं। खंडित जनादेश से स्थायी सरकार बनाना संभव नहीं, ऐसी पार्टियों का साथ आना जिम्मेदार सरकार बनाने के बजाय सत्ता हासिल करने का प्रयास है। वही राज्यपाल ने अपने फैसले के पीछे एक कारण विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को भी बताया। खैर, विपक्षी दल कुछ भी कहें, लेकिन राज्यपाल के फैसले के बाद ये तय है कि सूबे में 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होना तय है, जिसे लेकर अब सभी पार्टियां आगे की रणनीति बनाने में जुटी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।